हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर परफॉर्मिंग द न्यू प्रैक्टिकल ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जिप क्रेन। दिस इज आवर थर्ड प्रैक्टिकल एंड द एम ऑफ द दिस प्रैक्टिकल इज टू वेरीफाई द फोर्सेस इन द डिफरेंट मेंबर ऑफ जिप क्रेन। स्टूडेंट, जिप क्रेन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिप क्रेन ऑपरेटर चाहिए, हैंगिंग वेट। तो गाइज, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक हैंगिंग वेट है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1 किलो। तो इट मीन्स जो ये वाला वेट है, ये 1 kg का वेट है। इस वे में क्या करते हैं, हम इसको इसमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं वेट को एंड एंड में जो ये वेट रिमेनिंग रहेगा। तो गाइज, इसके ऊपर पी मेंशन है, दिस इज़ आवर 1 kg वेट, 1 किलोग्राम वेट। तो इस गाइड के टोटल जो वैल्यू है गाइज, विच इज़ इक्वल टू 1 kg वेट। तो थर्ड एपरेटस जो हमें रिक्वायर्ड है जिप क्रेन प्रैक्टिकल को करने के लिए, टेप, जो कि हमने जनरली गाइज देखा हुआ है कि इंसीडेप देखा हुआ है हमने, ये वाला इंसीडेप जिसके ऊपर जो वैल्यू मेंशन होती है सेंटीमीटर एंड इंचज में मेंशन होती है। तो गाइज, इन दिस वे ये तीन मेन ऑपरेटर चाहिए जो हमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, जो जिप क्रेन ऑपरेटर्स है इस वे में दिखाई देता है, जिसके ऊपर तीन मेंबर होते हैं। जो फर्स्ट मेंबर जो जिप क्रेन ऑपरेटर्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं टाई, एंड सेकेंड मेंबर ऑफ जिप क्रेन ऑपरेटर्स इज जिब, एंड लास्ट एंड फाइनल मेंबर ऑफ द जिप क्रेन इज पोस्ट। तो दीज आर द थ्री मेंबर्स विच आर अटैच विद द जिप क्रेन एपरेटस। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जिप क्रेन के ऊपर किस वे में हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से फोर्सेस किस मेंबर के ऊपर एक्ट करते हैं। तो गाइस, हम देख रहे हैं इस मेंबर को जो हमने बोला था, दिस इज आवर टाई। तो टाई के ऊपर एक वेट स्केल होता है जिसके थ्रू हम वेट को मेजर करते हैं इन केजी में, एंड दिस इज आवर जिब। जिब के अंदर भी गाइस अपना एक स्केल होता है जो यहाँ पे गिवन है, अभी दिखाते हैं हम आपको, एंड इसके ऊपर भी केजी में रीडिंग होती है। तो गाइस, जब हम इसके ऊपर जिप एंड टाई का जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पोजीशन में जब हम वेट अप्लाई करेंगे, तो हम गाइस देख रहे हैं कि जो ये वाला मेंबर है, हम टाई वाले मेंबर की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं एज पर आवर प्रैक्टिकल। तो गाइस, मैंने जो टाई है, टाई की लेंथ को इंक्रीज कर दिया प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट, व्हेन वी अप्लाई द लोड और वेट ऑन दिस साइड, तो हम देखेंगे गाइस कि जो लेंथ है, टाई की लेंथ, इट नट पोर के सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की लेंथ कहलाती है टाई की लेंथ गाइस, एंड इस सेंटर से लेके अगर मैं इस नट बोल्ट के सेंटर तक की लेंथ को मेजर करता हूँ तो जिप की लेंथ कहलाती है गाइस, एंड इस सेंटर से लेके इस सेंटर की लेंथ को मेजर करेंगे तो पोस्ट की लेंथ मेजर की होती है गाइस। तो जब हम वेट अप्लाई करेंगे इस पोजीशन पे, तो देखेंगे कि ये देखिए गाइस, तो लेंथ जो ये वाली लेंथ है, जो अपना वेइंग स्केल है, ये ओपन हो रहा है, ये देखिए गाइस, तो ओपन होएगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो टाई की लेंथ ऑलवेज इंक्रीज होती है जब हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब लेंथ इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, इट मीन्स कि टाई के ऊपर जो अप्लाई फोर्स हो रहा है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड हमने देखा जिप, जब यहाँ पर
इस पोजीशन पे फोर्स अप्लाई करें तो जिप कंप्रेस हो रही है गाइस। तो जिप के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है जब हम वेट अप्लाई करते हैं एक पॉइंट के ऊपर जिप क्रेन पे। तो गाइस इन दिस वे टाई के ऊपर टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है एंड जिप के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि किस वे में हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो अपना ये वेइंग स्केल है जो कि अपने टाई के साथ अटैच है, तो इसकी रीडिंग को कैसे सेट किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले जब हम इसको सेट करेंगे, जो हमारा इंटरनल स्केल है जो स्टील वाला, वो ऑलवेज जीरो के सामने होना चाहिए। तो उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए यहाँ पे एक रेड ये दे रखा है, इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो गाइड हमें दिख रहा है कि जो इसकी पोजीशन है अभी जीरो से बिल्कुल जीरो के सामने दोनों साइड से, तो इट मींस ये जीरो पे सेट है अपना वेइंग स्केल जो कि टाई के ऊपर अटैच है। नाउ जो जिप के ऊपर जो हमारा स्केल है, जिप के ऊपर भी अपना एक स्केल है जो कि केजी में जिसकी रेटिंग मेंशन है गाइस, और जिप के ऊपर जो स्केल है, जो जिप के ऊपर का स्केल के ऊपर जो रेटिंग है गाइस 0, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो 0 के बाद 2 रेडिंग्स है गाइस, और उसके बीच में हम गाइस देख रहे हैं हर डिवीजन के बीच में 4 और 6 के बीच में देखा जाए तो 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन जो होगी यहाँ पर तो 2 kg का स्केल हो गया, इट मींस तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 200 ग्राम एक रीडिंग देगी, इट मींस कि 1 डिवीजन इक्वल टू 200 ग्राम रीडिंग देती है जिप के ऊपर। तो गाइज हमने देखा 0 से लेके 10 kg तक का स्केल है। सबसे पहले जो हमारी ये वाली पोजीशन है रोड की, इसको 0 के ऊपर, इसको हम 0 को इसके पैरेलल सेट कर देते हैं बिल्कुल। ये 0 का पॉइंट है गाइस दिख रहा है जो हमें, इसको फिर 0 के साथ या इस वे में हम इसको सेट करते हैं प्रैक्टिकल करने के। इट मींस कि जो अपनी इनिशियल रीडिंग है जिप की, जो कि हम 0 लेके चलेंगे, एंड जो टाई की जो इनिशियल रीडिंग है उसको 0 पे सेट किया तो उसको भी हम 0 लेके चलेंगे। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल किस वे में परफॉर्म किया जाता है। तो हमने देखा कि हमने टाई की जो इनिशियल रीडिंग ली है 0 ली, जो हमने टाई जो मेंबर है टाई के ऊपर जो केजी में स्केल था उसकी जो रीडिंग है टेबल में, हमने इनिशियल रीडिंग को 0 पुट कर दिया, एंड जिप की जो इनिशियल रीडिंग थी वो भी 0 पे हमने सेट की थी, उसको हमने टेबल में मेंशन कर दिया है जो कि जिप क्रेन की टेबल है। तो प्रैक्टिकल को किस वे में परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में स्टडी करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 1 kg का जो वेट है अपना, इसको हैंग करेंगे जिप और टाई के इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे जहाँ पे हैंगिंग की पोजीशन दी हुई है। तो गाइस हमने 1 kg वेट यहाँ पर अप्लाई किया एंड हमने देखा कि लेंथ ऑफ द टाई विल बी इंक्रीज ड्यू टू टेंसाइल फोर्स एंड लेंथ ऑफ द जिप इज डिक्रीज ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। नाउ तो जिप जो अपने टेबल है गाइस, टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम होता है वेट ऑफ द वेट जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने वेट गाइस जो अप्लाई किया 1 kg, तो हमने पोजीशन लिख 1 kg वेट अप्लाई किया तो टेबल में हमने मेंशन कर दिया। नाउ टेबल में तो नेक्स्ट कॉलम बना हुआ है लेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ जिप क्रेन। तो जिप क्रेन के जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेंबर कौन कौन से होते हैं, टाई जिप एंड पोस्ट। तो उनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन से लेंथ क्या है ईच मेंबर की, देन
जब हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 1 kg गाइज, तो लेंथ दिस इज आवर टाई, वी मेजर द लेंथ ऑफ द टाई, तो हमने सेंटर पे इंची टेप को रखा गाइज, और नट बोल्ट का जो सेंटर है यहाँ तक की लेंथ को मेजर किया, विच इज आवर 90 सेंटीमीटर। तो हमने गाइज इस लेंथ को मेजर किया यहाँ से लेके सेंटर तक, तो 90 सेंटीमीटर टाई की लेंथ जो हमने मेजर की 90 सेंटीमीटर, एंड जो जिप है इस सेंटर से लेके गाइज नट बोल्ट का जो नीचे वाला सेंटर है यहाँ तक मेजर की, विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द पोस्ट विच इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर। तो गाइज जो हमारे पास रीडिंग्स आई लेंथ की, जिप की लोन जो लेंथ जो हमने मेजर की थी गाइज, विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, जिप की लेंथ हमने मेजर की 130 सेंटीमीटर, एंड टाई की लेंथ जो मेजर की हमने 90 सेंटीमीटर गाइज, जो कि मैंने टेबल में मेंशन कर दिया, एंड जो पोस्ट की लेंथ जो हमने मेजर की थी 86। नाउ तब हमने इनिशियल जब ली थी गाइज विदाउट वेट, तो जिप के ऊपर जो स्केल था 0 kg था, एंड टाई के ऊपर भी 0 kg था। नाउ अब हम देखेंगे कि जब हमने 1 kg फोर्स अप्लाई किया तो जिप और टाइक में की रीडिंग में कितना चेंज आए, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट टाई की जो लेंथ हमें आफ्टर जब हमने 1 kg वेट हैंग 1 kg वेट हैंग करने में जो टाई की रीडिंग में जो डिफरेंस आया, विच इज इक्वल टू जो कि हमें स्ट्रिप दिख रही है 1.1 kg पे, तो टाई का जो इसके 0 से 1.1 kg पर आ गया, एंड जो जिप था जिप का स्केल जो हमने 0 पे सेट किया था गाइज, तो उस स्केल की रीडिंग आ रही है अपनी, तो इसकी रीडिंग स्टडी करने में हमें गाइज कई बार प्रॉब्लम भी होती है, तो हमने देखा 0 के बाद 2 का स्केल था, फिर 4, 6, 8, 10, तो इन दिस वे गाइज जो नंबर ऑफ डिवीजन होगी 10, 20, 30, 40, एंड 0 से 2 तक होगा तो 50, तो टोटल डिवीजन 50 है गाइज, और हम देख रहे हैं 50 डिवीजन में जो हमें विजिबल रीडिंग है, 50 डिवीजन में जो विजिबल रीडिंग है विच इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40, तो गाइज जो डिवीजन हमें दिख रही है तो ये देखिए गाइज 10 यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 डिवीजन है, अगेन 10, 20 होगी, 30, और जो एग्जैक्ट 2 पे दिख रहा है तो 40, 10, 20, 30, 40, 40 डिवीजन अपनी विजिबल है और टोटल डिवीजन 50 थे, इट मीन्स 10 डिवीजन इनविजिबल है, तो कितना कंप्रेस हुआ गाइज, 1 डिवीजन मैंने बताई थी 200 ग्राम के इक्वल, तो 10 डिवीजन जो होगी 2 केजी के इक्वल हो गई, तो इन दिस वे गाइज जिप क्रेन की रीडिंग को हम कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज जो हमारी 1 kg के लिए कंप्रेसिव जो फोर्स लगा 2 kg अप्लाई हुआ जिप के ऊपर, तो इन रीडिंग को हम टेबल में फिल करेंगे एंड कैलकुलेशन कर इन रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। नाउ गाइज अगर हमें सेकेंड रीडिंग लेनी है, दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग फॉर 1 kg, सेकेंड रीडिंग हमें प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म करनी है, सेकेंड रीडिंग के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो अगेन गाइज हम जो टाई के ऊपर जो स्केल है इसको 0 पे सेट करेंगे बाय रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो जिप है अपनी जिप को 0 के ऊपर सेट करेंगे अगेन, एंड 1 kg के जगह नाउ वी अप्लाई द 2 kg वेट, दिस स्केल इज आवर वेट इज 1 kg, तो नाउ गाइज वी आर अप्लाई द 2 kg वेट,
तो गाइस हमने 2 kg वेट अप्लाई किया एंड हम देख रहे हैं कि अब जो टाई की लेंथ है ज़्यादा इंक्रीज हुई और कंप्रेस इसके जो कंप्रेसिव फोर्स है और भी ज़्यादा अप्लाई हुआ है 2 kg पे। तो गाइस अब हम अगेन सेम तो लेंथ ऑफ टाई मेजर करेंगे इन दिस वे, दिस सेंटर विच इज इक्वल टू 92। तो टाई की लेंथ गाइज 92 आई है सेकेंड केस में। एट 2 kg नाउ मेजर द लेंथ ऑफ पोस्ट। तो हमने 2 kg की लेंथ ऑफ पोस्ट निकाली विच इज इक्वल टू 1/3। सेंटर से मेजर करेंगे गाइज 129 विच इज इक्वल टू 129 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे गाइज हम वेट बढ़ाते रहेंगे तो अपनी जीभ है कंप्रेस होती रहेंगी, लेंथ ऑफ द जीभ विल बी डिक्रीज एंड लेंथ ऑफ द टाई विल बी ऑलवेज बी इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द लोड। नाउ थर्ड जो हमें मेजर करनी है पोस्ट के लेंथ का इन दिस वे हमने मेजर किया, ये तो 86 आई।